बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक की थ्योरी के ऊपर एक्सटेंशन है, यानी जो मैक्स प्लांक ने एक्सप्लेन किया था उसी को फर्दर आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, हम यहाँ रिव्यू कर लेते हैं, जो लाइट एनर्जी है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम और एनर्जी पैकेट्स, और उन एनर्जी पैकेट्स को हम नाम देते हैं फोटॉन्स का। दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स। कि लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा विच आर नोन एज फोटोन। और हर फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वी कैन राइट ई इज इक्वल टू एच एफ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर हम टोटल इनपुट एनर्जी को देखें, जो कि इंसीडेंट एनर्जी है जो हम लाइट की फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस पर फॉल करवा रहे हैं, तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। उनमें से कुछ हिस्सा उन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के काम आता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। और जो बाकी हिस्सा बच जाता है उस एनर्जी का, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के काम आता है, विच मीन्स के वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी सरफेस को 100 जाउल इंसीडेंट एनर्जी दे रहे हैं, तो वो 100 जाउल आगे मजीद दो काम करवाएगी, यानी उसमें से कुछ हिस्सा 100 जाउल में से, लेट सपोज 30 जाउल इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा रहा होगा, तो बाकी जो 70 जाउल बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज़ होगा। सो दिस वॉज एक्सप्लेन्ड इन आइंस्टाइन थ्योरी, जो कि हम यहाँ थ्योरी की पॉइंट्स की फॉर्म में देख सकते हैं। इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो जो इंसीडेंट एनर्जी है उसको हम एच एफ से डिनोट कर रहे हैं, और जो वर्क फंक्शन है विच इज़ रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स उसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम हाफ एम वी स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कुछ देर के लिए ज़ीरो एज्यूम कर लें, तो उस वक्त जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, यानी उस वक्त जो एनर्जी होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने का काम कर रही होगी, उनको मूव नहीं करवाएगी। तो इस केस में हम ऊपर वाली इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी की जगह ज़ीरो पुट कर सकते हैं, और बाकी केसेस में हम देख सकते हैं कि एच एफ नॉट माइनस फाई आ जाएगा, फाई दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और इस तरह से आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे उन सब की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बल्कि कुछ मेटल से स्ट्रेट बाहर चले जाएंगे और कुछ अपनी एनर्जी को कोलियन के दौरान ही लूज़ करेंगे, इसलिए जब एमिट होंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी के साथ जो है वो एमिट होंगे। आइंस्टाइन को इस कॉन्ट्रीब्यूशन की बेस पर फिज़िक्स में 1920 में जो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उस बेस पर नोबल प्राइज़ भी मिला। थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू।